धर्म सिर्फ तोड़ता है जबकि संस्कृति सबको जोड़ती है। पतंग सा था वो बहती हवा सा था वो पतंग सा था वो कहां बहती हवा सा था वो उड़ती पतंग सा था वो और अभी चल रहे हैं हम लोग कहाँ चल रहे हैं घूमने घूमने चल रहे हैं क्या होता है ना कभी कभी सारा पैसे कितनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना बिजनेस कुछ करो यार बहुत से अभी गैजेट्स लेना था सामान चाह रहे हो आज का हो गया हमारा एक घंटे कोई डेली वॉच टाइम हो गया कल 3 घंटे हो गया परसों 4 घंटे हो गया तो आज का दिन अगर जैसे मान लो तुम्हारा फालतू चला गया तो वही 1 घंटा जैसे तुम्हारा कट जाएगा अगर परसों वाले दिन में कोई नहीं देखा तो परसों होगा सही है लेकिन हमारा एक डाउट ये है ना मतलब जैसे कॉपीराइट क्लेम आ गया किसी वीडियो में तो कॉपीराइट क्लेम के बाद जो था उसमें जो वॉच टाइम होता है वो घट जाता है इससे भी साइड इफेक्ट पड़ता है चैनल पे ठंडियों में अंडा ही फायदा करता है ये तो है आज हम और साथ में माही और दोस्त रवि आज सब लोग शाम का टाइम हो गया और वैसे ठंड तो बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बाहर कहीं नहीं जाते तो अभी हम लोग देखेंगे मूवी और वो मूवी कौन सी है रवि राम सेतु राम सेतु और साथ में माही भी एंजॉय करिए आज हाय कर दो एक बार वाह मजे आ रहे हैं ना मूवी की स्टार्टिंग तो तगड़ी है यार मजा आ जाएगा ना कौन हीरो है इसको हटा दे क्या पता इसके वजह से किसके वजह से
इसके वजह से स्पीकर से होता है कि वो कहाँ से रिलेटेड है ये मूवी भाई? मूवी का इंटर तगड़ा है और शायद मज़ा आ जाए मूवी देखने में, देख सकते हैं आप। भाई मज़ा आ रहा है ना? हाँ। इनको देखो नवाब साहब को फुल फुल इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मूवी पहली बार। नहीं गाइस, मूवी साथ में देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, और क्योंकि जब हॉल में जाते हैं लोग तो वहाँ बहुत से लोग साथ जब देखा जाता है उसका मज़ा ही। आज समझो हम लोग एक छोटे हॉल में बैठे हैं, ठंडी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है इसलिए ठंडी में मूवी देखने का कुछ अलग ही आनंद जो मज़ा आता ठंडी में। तुम क्या करना चाहोगे वही बोलो, क्या कहना चाहोगी? कुछ नहीं। हमारे गाइस को काफी दिन से ठंडी बढ़ भी गई है इसलिए आराम से जो है रजाई के अंदर आराम से घुस के जो है देखने का मजा है। ये तो अक्षय कुमार है नहीं भाई, अक्षय कुमार की मूवी जबरदस्त होती है। मतलब कहीं कहीं इतना भयानक पता नहीं कैसे सीन शूट कर ली जाती है, प्रैक्टिस होता है सब, ये सब कहाँ पहुँचा है बाग लेके। पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क मानते हैं, इस लिहाज से आपको पूरी विरासत भारत को सौंपनी चाहिए, डोंट यू एग्री? क्या आपको पड़ोसी मुल्कों के बीच अमन पसंद नहीं है? देखिए जनाब, ये सिक्के ये धरोहर हमारी सांझी विरासत है, इसे आप धर्म में नहीं बांट सकते। धर्म सिर्फ तोड़ता है जबकि संस्कृति सबको जोड़ती है। प्रोटोकॉल श्रेष्ठ, आप धर्म और भगवान को नहीं मानते? मैं धर्म भगवान या ऐसे किसी भी विचार को नहीं मानता जिसका कोई प्रमाण ना। I'm a man of facts, history, archaeology. I believe only in things that can be proven. Okay, thank you. भाई एक नंबर की बात बोली यार। और क्या, सही बात है भाई, धर्म तोड़ता है एक दूसरे को। ये हीरो मुझे अच्छी लगती है भाई। ओ